तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में जो भी नए लोग हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। तो हमारा जो बैच है वो है एडवांस एक्सेल का और इसमें कुछ बेसिक क्लासेस हो गई है, ज़्यादा नहीं, एक दो क्लासेस बेसिक हुई है कॉपी पेस्ट वगैरह की, पेस्ट स्पेशल वगैरह की। लेकिन आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर लुकअप। जी हाँ, पिक्चर लुकअप। तो पिक्चर लुकअप क्या है, तो एक मोटा मोटी बता देता हूँ। आप लोग वी लुकअप के बारे में जानते होंगे कि वी लुकअप क्या होता है। तो वी लुकअप में हम सिर्फ डेटा को लुकअप कर सकते हैं, बट पिक्चर लुकअप में आप पिक्चर को भी लुकअप कर सकते हैं। तो पिक्चर लुकअप में आप पिक्चर को भी लुकअप कर सकते हैं। तो चलिए आज की इसी सेशन में हम बताते हैं। तो कल की क्लास में, कॉपी पेस्ट वाली क्लास में, हमने आपके साथ डिस्कस किया था पेस्ट एज ए पिक्चर की। तो पेस्ट एज ए पिक्चर से ही हमारा पेस्ट एज ए पिक्चर लुकअप का ऑप्शन है। तो उससे पहले हम पेस्ट एज ए पिक्चर पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, और जिन लोगों को समझ भी ना आए वो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो पेस्ट एज ए पिक्चर क्या होता है या पेस्ट एज ए पिक्चर लुकअप क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम आपको पहले समझाते हैं और उसके कुछ और बेनिफिट्स बताते हैं। जैसे कि आप कॉपी पेस्ट नॉर्मली करते हो, तो जैसे डेटा है डेटा पेस्ट होता है, पेस्ट स्पेशल करते हो तो उसकी फॉर्मूला, उसकी वैल्यू, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह पेस्ट होती है। पिक्चर लुकअप, पिक्चर पेस्ट जे पिक्चर क्या होता है, पेस्ट जे पिक्चर उसी चीज को आपको एज ए पिक्चर में पेस्ट कर देता है ताकि इस पर कोई चेंज ना कर सके। तो यहां से भी आप पिक्चर कर सकते हैं या फिर आप जो है यहां से भी पिक्चर कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक बड़े, एक छोटे एरिया में बहुत बड़े डेटा को देना है, तो पेज से पिक्चर करके कर देते हैं। क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए कॉलम छोटा किया तो पूरा कॉलम छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे नीचे डेटा हो सकती है, इसलिए हम पेज से पिक्चर करते हैं ताकि हम उसको छोटा करें और हमारा कॉलम से उसको कोई लेना देना ना हो, जब हम डैशबोर्ड से रिपोर्ट ऑटोमेशन वगैरह करते हैं। तो दिक्कत एक क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ तो मेरा पिक्चर अपडेट नहीं होता है, मुझे वापस अपडेट करना होता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। इससे क्या होता है कि अगर यहाँ पे कुछ डालूं तो ये अपने आप अपडेट कर देता है, यहाँ तक कि फॉर्मेटिंग वगैरह भी चेंज करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग भी चेंज कर देता है। तो सेम शीट है, इसको आप कॉपी करके अनदर शीट पे भी कर सकते हैं। इसको कॉपी किया और अनोदर शीट पे हम चले गए, पेस्ट एज ए यहाँ पे पिक्चर लिंक, यहाँ भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो ये भी इससे लिंक हो जाएगा कि यहाँ पे 12 को मैंने 120 कर दिया, तो एंटर मारते आप यहाँ देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा 120। और सेम फाइल अनोदर फाइल पे भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसको एमएस वर्ड, जैसे कि मान लीजिए कोई एमएस वर्ड की फाइल है जो कि आपकी इस एक्सेल फाइल से लिंक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पावर पॉइंट की फाइल है जो कि आपकी इस फाइल से लिंक है, बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो कॉपी पेस्ट ना करके पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक आप कर देंगे तो बेनिफिट क्या होगा। जैसे कि मैंने इसको कॉपी करता हूँ, पहले कॉपी और यहाँ पे मैंने पेस्ट एज ए, अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज म्यूट कर, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया रिकॉर्ड हो रहा है तो आपकी रिकॉर्डिंग में इफेक्ट हो जाएगा। जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम जैसे कि अनफॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा होगा पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, और पिक्चर लिंक में माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका लिंक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं 120 को मैं 135 कर देता हूँ अपने एक्सेल शीट में, 135 एंटर मारते ही आप देखेंगे कि यहाँ आपके इस पे भी 135 हो जाएगा। सेम आपका पावर पॉइंट पे भी चलता है, आप पावर पॉइंट भी सेम चीज को फॉलो कर सकते हो। इस तरह से आप लिंक कर सकते हो एक्सेल को अनोदर एप्लीकेशन में। लेकिन ये सब तो नॉर्मल है, और जहां तक मुझे आइडिया है कि आप लोगों को पता होगा, नहीं तो इसको आप खोज सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं एक ऑफिस में, सेल्स ऑफिस में था हमारा,
तो सेल्स ऑफिस में क्या था कि मुझे एक पर्टिकुलर डेटा को हर एक घंटे में मेल करना होता था, क्योंकि सेल्स के अपडेट होते थे, क्योंकि जो हमारे सेल्स टीम से उनको डीलर्स की रिपोर्ट चाहिए होती है, किस डीलर ने कितना ऑर्डर किया और किसको कितना ऑर्डर, मतलब उसके टारगेट से कितना ऑर्डर बचा हुआ है, तो जिसकी ऑर्डर जो है जिसका ऑर्डर मान लीजिए नहीं हुआ है, तो उसको हम ऑर्डर को ऑर्डर पूरा करने के उनको फोर्स करेंगे कि आप प्लीज ऑर्डर पूरा कीजिए। ठीक है सर, तो उस केस में अब होता है क्या था कि हमारा जो एक्सेल था, मान लीजिए हमारा जो फाइल है हमारा एक्सेल का, तो उसको कॉपी करके बराबर हमें अपने आउटलुक के मेल बॉडी पे पेस्ट करना होता था, बराबर हमें आउटलुक के मेल बॉडी पे पेस्ट करना होता था। अच्छा, ये साइन इन नहीं है, एक मिनट रुकिए। तो वो लग रहा है इसकी पेमेंट इस बार नहीं गई है, वो सब बता दूंगा, मैं कर दूंगा मैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे कि न्यू मेल जनरेट करते थे। जी हाँ, न्यू मेल, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि न्यू मेल बॉडी के ऊपर हम इसको पे से लिंक कर देते थे और फिर इसको हम लोग भेज देते थे। तो बार बार हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती थी, हम इसको एक टेम्पलेट बना कर रख लेते थे। ठीक है सर, तो सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये क्या ऑटोमेट भी हो सकता है क्या? हाँ, वो बीवीएम प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो ऑटोमेट हो जाएगा कि अपने आप मेल चला जाएगा, लेकिन ये भी ज्यादा कम नहीं, ज्यादा मतलब कम नहीं था, ये अपने आप मतलब कि हमें बस सेंड दो बार क्लिक करना होता था, अपने आप मेल भी कर देता था सर। तो ये आउटलुक में जो डेटा अपडेट होता है वो मतलब एक्सेल में अपडेट किया तो ऑटोमेटिक आउटलुक में अपडेट हो रहा है हाँ, क्या? जैसे कि अभी आपको मैंने एमएस वर्ड पे किया था ना, एमएस वर्ड हमने आप देखा हमने कि हमने यहाँ पे चेंज किया, तो आप अपने आप जी। किया था ना, ऐसे यहाँ भी कर। ओके ओके ठीक ठीक है, है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है, मेरा आउटलुक अनलाइसेंस प्रोडक्ट दिखा रहा लग रहा है, क्योंकि मेरा ऑफिस 365 ले रखा है ना सर, हाँ वो शायद अकाउंट में लॉगिन नहीं किया आपने। पर लॉगिन है लग रहा है इस बार जो है नहीं गया है, साइन इन तो है लग रहा है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इस बार नहीं हुआ है क्या? अच्छा, प्रॉब्लम है। दो मिनट दीजिए, मैं अभी कर देता हूँ। हाँ जी आप कब ये देख सकते हैं। हाँ अच्छा, इस टॉपिक को हम तब तक रखते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो मैं बता दूंगा। आउटलुक सिंपल होता है, आउटलुक का हम लोग आउटलुक को गलती में आउटलुक के जो न्यू मेल पे जाते हैं इसको लिंक करके उसको सेव एज टेम्पलेट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है मुझे जस्ट उसको ओपन करना होता है। सर मैंने वैसे अभी अपने लैपटॉप पे करने की कोशिश करी थी, ये हो नहीं पाया था, लेकिन मेरे को वो ऑप्शन ही नहीं मिला। अगर आप थोड़ा सा एक बार स्लोली किसमें दोबारा ऑप्शन, बताएं तो क्या चीज का ऑप्शन नहीं मिला, तो ये वाला जो आपने पेस्ट, कहाँ पे कर रहे थे आप? मैं एक्सेल पे ही कर रहा था अभी साथ के साथ। हाँ, तो एक्सेल पे जैसे आपने इसको कॉपी किया तो यहाँ इस पे लिंक नीचे दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है, ये रहा आपका आइकन। अच्छा ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पेस्ट लिंक। ठीक हाँ, पे पे है पिक्चर लिंक। मिल गया सर।
ना सर? मिल गया मिल गया। तो ये पिक्सल पेज से पिक्सलिंग समझ में आया आपको सर? हाँ ये वाला जो अभी बता रहे हो पेस्ट लिंक है ना ये। पेज से पिक्चर लिंक? हाँ आ गया सर आ गया। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेज से पिक्चर लिंक कर दिया। तो चलिए यहाँ पे पिक्चर लिंक तो हमने कर दिया। आउटलुक में कर रहा था मैं, आउटलुक में हुआ नहीं इसका। नहीं, आउटलुक में भी करता था। आउटलुक मेरा एक्सपायर हो गया है, लग रहा है इस पर मेरा अच्छा नहीं गया है। मैंने बोला है अपने वाइफ को देखने के लिए, वो देख रही है। ठीक 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 है, जी। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर मान लीजिए कल के डेट में हम यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया है, हमने यहाँ दिया मोहन, और हमने यहाँ पे हमने नंबर दे दिया, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम आ गई कि अब कैसे होगा, क्या हमें इस पे दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्या हमें इस पे दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? जी नहीं, दोबारा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। आदमी देखिए, एक्सेल में एक सिस्टम होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फॉर्मूला से लिंक करते हैं, कभी भी आप लिंक करते हैं, तो वो एक फॉर्मूला के जरिए लिंक होता ओके है। वो एक फॉर्मूला के जरिए लिंक होता है। तो ये ऑब्जेक्ट भी देखिए, यहां आपके सामने फॉर्मूला के जरिए लिंक है। जी तो इस फॉर्मूले को चेंज कर दीजिए, 6 2 में 7 करके आंसर हमारा बढ़ गया। ठीक है सर। ठीक है ना? तो अब इसी मेथड से हम पिक्चर लुकअप करने वाले हैं। इसी मेथड से हम पिक्चर लुकअप करने वाले हैं। पिक्चर लुकअप की जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली ये पीपीटीज बनाने के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि पीपीटीज जैसे नहीं, कई बार रिव्यूज वगैरह होते पीपीटी हैं। में अपडेट नहीं करेगा सर। ये पावर नहीं, ये पावर पॉइंट में अपडेट नहीं करेगा क्या? पॉइंट में करेगा, पीपीटी में नहीं करेगा। पर पीपीटी बन गया तो पीपीटी में नहीं करेगा सर। अच्छा समझे? ठीक है सर। चलिए, तो इसका पर्पस ये होता है कि मैं एक स्कूल में था, समझे सर? स्कूल में मैं एक स्कूल के तरफ से काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक ऑफर किया था। एक ऑफर किया था उन्होंने मुझे कि उन्हें एक स्टूडेंट डेटाबेस का फाइल बनाना था, जिसमें वो स्टूडेंट का नंबर लिखते हैं, और स्टूडेंट का नंबर लिखते ही उनके पास क्या है, ऑफिस
ऑफिस का मतलब कि उनके पास स्टेन का नंबर लिखते ही उनके पास एक पूरी बी लुकअप से पूरा डेटा आ जाता था। लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या था कि उनको ये चाहिए था, क्या बोलते हैं, पिक्चर भी आ जाए, ठीक है, तो पिक्चर को भी लाना चाहते थे। एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं, चलिए एक इसमें अलग एग्जांपल समझाता हूँ कि मेरे पास दो तरह का डेटा है। पहला है नेम वाइज हमारे पास डेटा, जैसे कि पूजा वगैरह, उस पर हम एक छोटा सा रिपोर्ट बनाते हैं। और इस पे एक छोटा सा हम रिपोर्ट बनाते हैं, और एक और डेटा हम बनाते हैं मंथ वाइज। और यहाँ पे हम अपने सेल्स को देते हैं, और इस पे भी एक चार्ट मान लीजिए बना लेते हैं। इसे मैं लाइन सुजीत जी एक सेकंड बीच में रोकूंगा। हाँ, ये जो आपने नेम टाइप किया ना ऊपर, ये नेम ऑटो कॉपी कहाँ से हुआ? ये हमने लिस्ट बना रखा है सर। ओके, एक बार दिखाएंगे, माय डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, वहां पे लिस्ट बना हुआ है। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे कस्टम लिस्ट एक्सेल ऑप्शंस, और यहाँ पे एडवांस, इसमें एडिट कस्टम लिस्ट। ओके ओके ठीक है, वहां से पिकअप का ऑटोमेटिक, ठीक है। जी जी, थैंक यू। लिस्ट आप भी बना सकते हैं। जी जी, आप कुछ लिखना ना पड़े। है आपके सामने एक ये दो रिपोर्ट्स है, राइट? ऐसे दो से ज्यादा भी हो सकती है, बट मान लीजिए दो रिपोर्ट है आपके पास। अब मुझे समरी सीट के ऊपर, ये सीट थ्री या समरी सीट के ऊपर, यहां पे मैं लिखता हूं सेलेक्ट, यहां पे देता हूं सेलेक्ट, और यहां इंसर्ट में आता हूं, और इंसर्ट में डेटा में आता हूँ, डेटा वैलिडेशन में मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में जाके मैं यहाँ पे नेम कॉपर मंथ दो चीज आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे मंथ नेम करूँ तो मेरा ये डेटा विजुअल होना चाहिए, और जैसे मैं चेंज करूँ मंथ से यहाँ पे मंथ चेंज करूँ तो फिर मेरा ये डेटा विजुअल होना चाहिए, समझे? इसके लिए क्या करना होगा, अब जैसे इस एरिया को जिसको मैं सिलेक्ट कर रखा हूं, नॉर्मली इसका एड्रेस है A1 से लेके H8, C2 A1 से लेके H8, लेकिन मैं इसका नाम यहां से इसका नाम दे देता हूं नेम। अब कंप्यूटर इसको नेम के नाम से जानता है, सेम इसी तरह से मैंने इसका नाम दे दिया मंथ, अब कंप्यूटर इसको मंथ के नाम से जानता है। अब मैं इसको कॉपी किया और यहां पे आके पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर दिया, ओके? पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। अब मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं तो ऊपर आपको दिख रहा पूरा एड्रेस आ रहा है। अगर मैं इस पर मंथ लिख दू फिर भी वही डेटा आएगा, और मंथ की जगह पे मैं यहां पे नेम लिख देता हूं तो नेम का डेटा आएगा। जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले आपको यहां बताया था कि अगर आपने कॉपी कर रखा है मान लीजिए 7 तक 6 तक एक बढ़ गया, तो इस पे सेलेक्ट करके 6 को रिपीट करके 7 करते ही यहां पे आ जाता है। सेम उसी तरह से यहां पे भी आप अपना एड्रेस चेंज करोगे तो जिसका एड्रेस डालोगे उसका रिपोर्ट यहां उसको उस एरिए को यहां पे पिक्चर के तौर पे आपको दिखा देगा। आप बोलोगे कि अब मैंने नाम को डिफाइन किया,
इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा नेम है, मैं टाइप करने में दिक्कत होगी इसलिए। क्या मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट जब पिक्चर लिंक करता हूँ तो ये देख रहे आप सी टू ए वन सी एट, तो दिक्कत होगा ना सर, कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, इसलिए हमने इन दोनों का एक शॉर्ट नेम बना दिया। तो शॉर्ट नेम बनाने का दो तरीका है, एक तो सेलेक्ट करके यहाँ पे नाम लिख दे या फिर फॉर्मूला मेन्यू बार में जाके डिफाइन नेम, आप डिफाइन नेम कर सकते हैं। तो अभी हमने एक चीज तो कर लिया कि मैं मंथ के यहाँ पे मंथ की जगह नेम डालूंगा तो मेरा चेंज हो जा रहा है, बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सेलेक्ट करके मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना है, मैं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ड्रॉप डाउन में मैं अगर नेम सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे नेम आना चाहिए, अगर मंथ सेलेक्ट करूँ तो यहाँ मंथ हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम क्या है? तो यहां तक सबको समझ में आ गया जी? सोनू जी, राहुल जी, सुनील जी, जी सर, जी जी यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? थोड़ा मेरे को मतलब थोड़ा क्लियर ही नहीं हुआ, मतलब ये चल क्या रहा, बस जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं बैठ के यहाँ पे। देखिए अमित जी, देखिए प्रॉब्लम समझिए कि मेरे पास दो तरह का डेटा है, ठीक है आपको ना, मैंने हाँ जी हाँ जी तरह की एनालिसिस बनाई है जिसमें एक सेल्स जो हमारा है वो हमारा सेल्स ऑफिसर के हिसाब से है और उसके मैंने यहाँ पे चार्ट विजुलाइजेशन के लिए चार्ट बना दिया है, इतना समझ? हाँ इतना समझ आया। और ऐसे ही यहाँ पे बोले क्या बोलना, एक क्वेश्चन था कि जैसे मान लो आप मतलब अभी तक मतलब ये चार्ट बनाना भी नहीं आता है। चार्ट तो सिंपल है सर, आप इसको या डेटा को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए और यहाँ से अपना चार्ट चूज कीजिए, चार्ट चूज करने के बाद जैसे पिक्चर को रिसाइज करते हैं आप ऐसे इसको रिसाइज कर दीजिए, के ऊपर ऐसे रखना है ऐसे रखिए, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, मैंने ये फॉर्मेट चार ऐसा दिख गया, ठीक है ना, इसके ऊपर हम डिटेल बताएंगे, बस हम बात कर रहे हैं पिक्चर लुकअप। देखिए पिक्चर लुकअप के खेल में यहीं पे भी खत्म कर सकता हूँ कि हम आप लुकअप कर दिए और चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये पिक्चर लुकअप बताना जरूरी है क्योंकि इसको ऑफिशियली यूज कैसे करोगे आप। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप डैशबोर्ड्स अगर हम लोग बनाते हैं डायनेमिक डैशबोर्ड, तो हम मान लीजिए वहां पे ड्रॉप डाउन हम करते जाए और मेरा रिजल्ट चेंज होते जाए, क्योंकि हमें दो अलग अलग करने पड़ेंगे, चलो ये तो आपके दो के हिसाब से है, लेकिन मान ऐसी रिपोर्ट्स आपके पास 100 है, 100 आपके चार्ट्स बन गए, तो 100s को आप दिखाओगे तो कंफ्यूजन होगी ना। हाँ यस यस ना, ये गुड पेन क्या, अभी तो दो है तो चलो ठीक है आप हो गया, लेकिन 100 मान लीजिए, 100 नहीं 20 ही हुआ, तो 20 में भी आपको प्रॉब्लम होगा ना सर? हाँ होगा होगा। तो एक अगर ऐसा होता कि समरी में एक ही चार्ट होगा, हम बस चेंज द ड्रॉप डाउन, हम ड्रॉप डाउन पे चेंज करेंगे और मेरा चेंज हो जाएगा। तो हमने अब क्या हुआ कि लुकअप के जरिए हम कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप मान लीजिए कॉपी करके पेस्ट से पिक्चर लुक लिंक हमने कर दिया यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, हमने कॉपी किया और पेस्ट से पिक्चर, हम जानते हैं कि जब भी पिक्चर होता है तो एक फॉर्मूला से होता है, आप अपने हिसाब से छेड़छाड़ करके कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसके नाम बड़े बड़े नाम है, नाम कॉपी करके हमने अभी यहाँ पे पिक्चर लिंक किया था, तो पिक्चर लिंक भी क्या था कि इसका नाम बहुत बड़ा था, तो इस नाम हैंडल करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब सी टू हमारा डेटा सेट ऐसा हो सकता है कि जनवरी सेल्स पैन इंडिया डेटा, ऐसे नाम भी तो हो सकते हैं ना। हाँ हाँ हो। तो हमने क्या किया कि अपने जो भी हमारे समरी थे उस समरी को एक नाम दे दिया, यहां से या फिर डिफाइन नेम से। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए नेम कर दिया, तो हम
हमारा नेम वाला जो रिपोर्ट है ये आ जाता है, क्योंकि इस एरिया को हमने नेम नेम डिफाइन कर रखा है, नेम इसका हमने बोल दिया कि भाई इसका बोल दिया मंथ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक अगली प्रॉब्लम क्या आती है कि मुझे इस ड्रॉप इस पिक्चर को ड्रॉप डाउन से लिंक करना है। मैं ड्रॉप डाउन पे करूं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो, मैं पिक्चर पे क्लिक करके यहां टाइप करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यहां अगर मैं टाइप करता हूं तो रिजल्ट मुझे आ रहा है, बट मैं यहां टाइप करना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करना। यहां एक छोटी सी कंफ्यूजन है, देखिए अगर आपने यहां पे लिखा बी टू तो बी टू से क्या समझ रहा है, आप बताइए थोड़ा सा एग्जांपल। देखिए हमने बी टू लिखा, हमने इक्वल देके बी टू लिखा ना सर, इक्वल बी टू दिया तो ये समझ गया कि बी कॉलन एंड टू रो, बी कॉलन एंड टू रो, हाँ यहाँ पे उसका रिजल्ट 58 दिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बी टू लिख दिया और बोलता था कि यहाँ पे रिजल्ट आ जाए तो ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने जब इक्वल करके B2 दिया तो ये समझ गया कि एक एड्रेस है। लेकिन जब हम इक्वल करके ना दे या इक्वल करके इन्वर्टेड कॉमा में दे दे या किसी सेल पे टाइप करो, दोनों बराबर होता है, तो इसको समझ रहा है कि B2 एक टेक्स्ट है, कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं है, जस्ट लाइक ए टेस्ट। तो बी टू, अब मुझे बताना है कि जो ये बी टू है नॉट ए टेक्स्ट, ये एक एड्रेस है। ये हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होगा, इनडायरेक्ट फॉर्मूला इस बी टू को कन्वर्ट करेगा बी टू रेफरेंस में। एक्सेल को बताएगा कि जो बी टू डाला हुआ है वो बी टू कोई एबीसीडी नहीं है, बी टू एक रेफरेंस बी कॉलन एंड टू रो। उसी तरह से समरी सीट पे ये जो नेम है तो टेक्स्ट, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जैसे हमें सम में अगर इसको सेलेक्ट कर दे तो ये कुछ जीरो देगा, क्योंकि ये B2 को समझ रहा है, जस्ट B2 पे जो नेम है इसको समझ रहा है कि नेम ABCD है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है एक्सेल को कि जो नेम है इट्स एरिया का डिफाइंड नेम है, शॉर्ट नेम है, समझ गए। तो उसको समझाने के लिए सम के अंदर में हमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। इनडायरेक्ट फॉर्मूला सम को बताएगा कि ये जो नेम है कोई एबीसीडी का नाम नहीं है, नेम एक शॉर्ट नेम है, नेम एक शॉर्ट नेम है जो कि नेम मैनेजर में उसका रेफरेंस बता देगा, नेम मैनेजर से उसका रेफरेंस लेके दे देगा कि सी टू का ए वन से एच एट है जिसका शॉर्ट नेम नेम दिया गया, समझे। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला कन्वर्ट करता है। देखिए एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर मैं डायरेक्ट इसमें इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं और इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर में इस नेम को सिलेक्ट कर तो लॉजिकली चलना चाहिए बट ये नहीं चले, ना चलने के पीछे रीजन ये है कि एक जो पिक्चर ऑब्जेक्ट है, जो पिक्चर होता है ऑब्जेक्ट या चार्ट होता है, वो किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सिर्फ डिफाइन नेम को लेता है या फिर सेल एड्रेस को लेता है, मतलब ये सिर्फ बी टू को लेगा लेकिन इनडायरेक्ट को लेगा, बट बी टू देने से क्या हो रहा है कि सिर्फ नेम आ रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहा है एक्सेल की जो नेम शॉर्ट नेम है जिसका एक रेफरेंस है सी टू पे, कैसे करें। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ये नेम तो लेता है और डिफाइन नेम जो है वो किसी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट करता है, तो मैंने क्या किया कि एक नया नेम डिफाइन किया एस एच सो के नाम से, कोई भी नाम दे दीजिए, और यहां पे हमने वो इनडायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, और इनडायरेक्ट फॉर्मूला में हमने इस नेम को सिलेक्ट कर लिया। अब इनडायरेक्ट फॉर्मूला इस नेम मैनेजर को, जो शॉर्ट नेम डिफाइनर है उसको बता रहा है कि नेम जो है किसी तरह का नेम नहीं है, इस पे क्लिक करते ही डायरेक्ट यहां पहुंच जा रहे हैं।
एक्सप्लेन कर दे रहा है कि नेम इस एरिया को बोलते हैं या जो मंथ है उस एरिया को बोलते हैं। तो जो यहां होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया मंथ, सो के अंदर में आप मंथ को ही सिलेक्ट करेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें मंथ की जगह पे शो कर देना। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप वीडियो को दो तीन बार देखिएगा और खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। आगे चल के जब हम फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो इसको और अच्छी तरह से समझ जाएंगे आप। जी ठीक है, ये फाइल आप लोगों को मैं मेल कर देता हूं। ठीक है सुजी जी, एक सेकेंड, ये जो ब्लैंक किया ना मैं शीट को, जो कोई कॉलम रो नहीं दिखाई दे रहा, कैसे क्या ये? इसको मैंने किया पेज लेआउट के अंदर, यहाँ डेड लाइन से। ओके व्यू, ओके ओके ठीक ठीक ठीक, हेडिंग पे डाल सकते हैं। जी जी, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जरूरत थी तो हमने अप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी हम होम मेनू में है ना, इसी में। जी जी जी, लेकिन क्या है, एक्सेल हर एक ऑप्शन, कोई ना कोई ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से कनेक्टेड होता है, तो ये चीज भी कुछ बतानी पड़ जाती है। जी ठीक है, मैं आप लोगों को मेल कर रहा हूँ। थैंक यू सर। और कल हम बात करेंगे फॉर्मेट सेटिंग्स के बारे में, कि हाउ टू सेट योर फॉर्मेट्स, फॉर्मेटिंग वगैरह आप कैसे करेंगे। ठीक है ठीक है, यस सर, ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।